दोस्तों, पठानकोट से 100 किलोमीटर की दूरी पर है जम्मू, और जम्मू में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। और आओ ले चलते हैं आपको उस मंदिर के अंदर। ये है इस मंदिर की एंट्रेंस, और जैसे ही आप दोस्तों एंट्रेंस क्रॉस करते हो तो लेफ्ट साइड आपको मिलेगा ये जूता घर, जहाँ पर आप अपना जूता चप्पल उतारोगे, और साथ ही में ये है मंदिर का मुख्य द्वार। जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि जो जम्मू है ये मंदिरों का शहर है, और सबसे जो प्राचीन मंदिर है, जो प्रसिद्ध मंदिर है, मैं उस मंदिर के अंदर हूँ, और ये है रघुनाथ मंदिर, जो श्री राम जी का मंदिर है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, दोस्तों 1835 में राजा गुलाब सिंह जी ने इसका निर्माण का कार्य शुरू किया था, और 1857 में ये मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ, और उनके जो पुत्र हैं राजा रणवीर सिंह जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था। और दोस्तों बताना चाहूंगा कि इस मंदिर के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं के लिंगम हैं। इसके अलावा महाभारत रामायण के जो चरित्र हैं उनकी भी इसके अंदर मूर्तियां हैं। आओ ले चलते हैं आपको मंदिर के अंदर दर्शन कराने श्री राम जी के, श्री रघुनाथ जी के। और दोस्तों, गेट के एंट्रेंस पे ही आपको ये मंदिर का समय जो है वो लिखा हुआ है। आप वीडियो पॉज करके टाइम देख सकते हो, सो दैट जब भी आप आए टाइम पर आए। दोस्तों जो सामने आप देख रहे हो ये रघुनाथ मंदिर है। मैं अंदर कैमरा नहीं ले जा सकता और ना ही फोटो खींच सकता है, क्योंकि अंदर साफ लिखा कि हम अंदर फोटोज नहीं खिंचवा सकते। दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है वो राम मंदिर, और ये राम मंदिर जो है ये पूरा स्वर्ण मंदिर है, और राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी इस मंदिर में हैं, और बहुत ही प्यारे हैं इनका स्वरूप, और बहुत ही अच्छी तरह इनका दर्शन हुआ, और आज यहाँ पर कोई ज़्यादा रश भी नहीं था, तो इसलिए मुझे दर्शन करने का अवसर मिला। और ये पीछे मंदिर है, तो हालांकि मैं भगवान जी के आपको दर्शन नहीं करवा सकता, क्योंकि वहाँ पे मना किया हुआ है, और आप जब भी आए दर्शन जरूर कीजिए। दोस्तों, श्री राम जी के दर्शन करने के बाद बिल्कुल उनके मंदिर के सामने ये सूर्य नारायण जी का मंदिर है, जहाँ सूर्य पर नमः पिंडिये हैं, और आप देख सकते सूर्य। हो यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर आते हैं। और उसी के साथ एक और ये कमरा है, और यहाँ पर भी हर जगह आपको पिंडिये ही दिखाई देंगी। दोस्तों ये जो आप पिंडियां देख रहे हैं ये 12.25 लाख पिंडियां हैं, जो उसमें राजा के द्वारा नेपाल से यहाँ पर लाए गए थे, नेपाल की नदी से यहाँ पर लाए गए थे, और ये सब तो वहाँ से उस डोर से हमने एंट्रेंस की थी, और यहाँ से होते हुए हम यहाँ से बाहर आए हैं। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों, इसके साथ वाला जो कमरा था वहां पे लगा हुआ था ताला, तो इसे छोड़कर मैं चल दिया अगले कमरे की। और यहाँ पर भी मुझे पिंडियां ही दिखाई दी। दोस्तों, बहुत से लोग यहाँ पर पिंडियों के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो आप सभी लोगों से मेरी एक प्रार्थना है, कृपया इन पिंडियों के ऊपर जूता चप्पल ना रखें और ना अंदर लेके जाएं। और बाहर निकलते ही माँ वैष्णो देवी का जो मंदिर है ये देखने को मिला, और उसके साथ में एक और कमरा था जहाँ पर पिंडियाँ थी। और दोस्तों, ये आप देख सकते हो दीवार में ये जो भगवान जी के स्वरूप रखे हुए हैं, ये वो स्वरूप हैं, आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, जिसकी मैं बात कर रहा था कि इस मंदिर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। ये आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पर भी बहुत बड़ा कमरा है ये, जहाँ पर पिंडियाँ हैं, और जो दीवारों के साथ साथ भगवान के स्वरूप, भगवान की मूर्ति आप कह सकते हो रखी हुई हैं। मंदिर बहुत ही अच्छा है वैसे, और काफी बड़ा मंदिर है। और उसके साथ ही एक और रूम है जहाँ पर भी पिंडियाँ ही आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, बेसिकली क्या है कि जो राम मंदिर है जहाँ पे भगवान राम जी विराजमान है, उसके चारों तरफ जितने भी 5-6 कमरे हैं, उस कमरों में आपको पिंडियाँ, और इसके अलावा जो रामायण और महाभारत के जो किरदार थे उनके आपको यहाँ दर्शन करने को मिल सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक एक के दर्शन कराता तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो दर्शन करने के लिए आपको खुद इस मंदिर में आना पड़ेगा। दोस्तों मेरे साथ हैं इस समय इस मंदिर के पुजारी जी। आइए पुजारी जी से बात करते हैं और इन पिंडियों के बारे में पूछते हैं जो अभी आपने देखी। पंडित जी प्रणाम, नमो नारायण, जय श्री राम। जय श्री राम जी।
सियापति रामचंद्र महाराज की जय। जय रघुनाथ जी का मंदिर है। अभी आपने अंदर दर्शन किए, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता जी। तो जो राम जी हैं, जो विष्णु जी का अवतार हैं, और जहाँ विष्णु जी का मंदिर होता है वहाँ पर शालिग्राम जी के दर्शन होते हैं। जी, इस मंदिर में आपने देखे जो छोटे छोटे जो शालिग्राम हैं, ये शालिग्राम विष्णु जी का रूप होते हैं। पूरे मंदिर में जो 12.25 लाख शालिग्राम लगे हैं, इनकी संख्या 12.25 लाख है। ये नेपाल में गंडकी नदी है, वहाँ से लाकर महाराजा रणवीर सिंह जी ने जहाँ पर इनकी स्थापना की गई है। ये शालिग्राम जी का जो विवाह तुलसी माता जी के साथ होता है, तो ये वही शालिग्राम है। हमारे हिंदुओं में जहाँ ब्राह्मण के घर में जहाँ कोई भी मंदिर हो वहाँ पर शालिग्राम जी की पूजा अवश्य होती है। जी जी। और मैं पूछना चाहूँगा कि जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो उनका स्वरूप कहाँ पे है, या वो जो कहते हैं कि जहाँ 33 करोड़ देवी देवता भी यहाँ पे हैं उनके? जो ये जो असली में शब्द है वो 33 कोटि, 33 कोटि, 33 कोटि का मतलब है 33 प्रकार के। कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, कोटि का मतलब प्रकार भी होता है। हमारे 33 प्रकार के जो देवी देवता हैं, ये सारे इनमें ही सम्मिलित हैं। इन्हीं शालिग्राम में और इन्हीं पूरे मंदिर में जो शंकर भगवान जी हैं, ये सूर्य भगवान जी का मंदिर है। 12 सूरज होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 8 वसु होते हैं और 2 अश्विनी कुमार होते हैं। उनको मिलाकर पूर्वों को 33 कोटि देवता बोलते हैं, ये सारे जहाँ पर हैं इनके दर्शन। ठीक है पंडित जी, आपने जो ज्ञान दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। दोस्तों, पंडित जी से बात करने के बाद अब मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ, पूरा मंदिर दिखाता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि इस मंदिर में बहुत सारे देवी देवता हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हो, और कहीं पिंडिये हैं, कहीं राधा कृष्ण जी के मंदिर हैं, कहीं शिव जी का मंदिर है। तो उसी तरह इस मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं के आपको एक साथ दर्शन करने को मिल सकते हैं। ये यहाँ गणेश जी का मंदिर है, यहाँ पर गणेश जी विराजमान है। बहुत ही सुंदर इनकी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर इनका विग्रह है, जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं और फल प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि इस मंदिर में जो लोग दिल से मन्नत मांगता है उसकी मुराद भगवान जरूर पूरी करते हैं। तो जो मंदिर है जहाँ पर रघुनाथ जी विराजमान हैं, उसके चारों तरफ ये मंदिर हैं छोटे छोटे बने हुए हैं, जहाँ पर आप आ सकते हो, दर्शन कर सकते हो, फल प्राप्त कर सकते हो। ये भगवान राधा कृष्ण जी का मंदिर है, बहुत ही प्यारे इनका विग्रह है ये। और दोस्तों, यहाँ पर रामनवमी, शिवरात्रि और जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ श्री हनुमान जी के। यह है हनुमान जी का मंदिर, और अभी समय हो चुका है भोग का, तो पंडित जी आ गए हैं भोग लगाने। और हनुमान जी के मंदिर के साथ ही मंदिर है गायत्री माता का मंदिर। मैंने पंडित जी से पूछा था कि भाई यहाँ पर भोग लंगर प्रसाद भी होता है, तो पंडित जी ने कहा कि प्रसाद तो नहीं होता यहाँ पर, परंतु अगर आपने मांगा है तो दिया जाएगा। क्योंकि ये जो अभी पंडित जी भोग लगा रहे हैं, तो सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय भगवान जी को भोग लगता है खाने का। और यहाँ पर लगता है ये मेरे नसीब में था, मैंने वैसे पूछा क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। ठीक है दोस्तों, मुझे मिल गया है प्रसाद और पंडित जी ने हमें प्रसाद दिया है। दोस्तों, अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा भोले बाबा के। और यहाँ पर जो शिवलिंग है वो नर्मदा नदी से लाया गया है, बहुत ही बड़ा शिवलिंग है। अगर आपने इतना बड़ा शिवलिंग के दर्शन पहले कभी किए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।